हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कैरी के छिलके का विनेगर किस तरह बनता है। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैरी के छिलके को निकाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने 1 किलो कैरी ली थी, उस कैरी के मैंने छिलके निकाले। छिलके निकाल के मैंने इन सब चीज़ों को 1 से 1.5 गिलास डाल के इसको बॉईल कर लिया है। अब ये ठंडा होने के बाद मैं आपको इसे छान के बताऊंगी कि इसका विनेगर किस तरह बना। देखिए फ्रेंड्स, अपने कैरी के छिलके का पानी एकदम ठंडा हो चुका है। मैंने आपको बताया कि मैंने 1 किलो कैरी के छिलके जो लिए थे, मैंने उसको बॉईल कर लिया 1-1.5 गिलास पानी डाल के। अब ये ठंडा हो गया, अब मैं इसे छान लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी छान लिया। अब मैं इसमें ये खाने वाला सोडा 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं इसके कैसे झाग उभर के आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं 2 चम्मच ये डिश वॉश ले लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें, आप 2 की जगह 3 चम्मच भी ले सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिला के एक बोतल में भर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बोतल ली है, इस बोतल में मैं ये सारा इसका पानी डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी आधी से ज्यादा इसकी बोतल भर चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे बंद करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अपना लिक्विड बनके एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम कैरी के छिलके को एक कचरा समझ के फेंक देते थे, आज इसी का हमने यूज करा है। इसका एक विनेगर की जैसे हमने इस लिक्विड को बनाया है। तो आप देख सकते हैं, हम जैसे रोज डस्टिंग करते हैं, उसके अंदर जैसे गैस की सफाई है, फर्नीचर है, टाइल्स है, ये सारी इससे एकदम क्लीन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, अपना लिक्विड बनके एकदम रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।